हाय, सो आज हम बात करने वाले हैं कार्टून्स के बारे में। तो अगर तुमने अपनी लाइफ में अभी तक कोई भी कार्टून नहीं देखा तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा तुम कौन से अजीबो गरीब प्लेनेट में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो। हमने अपनी लाइफ में कोई ना कोई कार्टून जरूर देखा होता है। कुछ अजीब होते हैं तो कुछ बहुत अजीब, कुछ सुपर नेचुरल होते हैं तो कुछ सुपर डुपर नेचुरल। क्या तुम्हें मेरा दिमाग दिख रहा है? कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा। दिखेगा भी कैसे, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा नशा करके इन इंडियन कार्टून्स की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। देखो यार, तुम्हें इन कार्टून्स में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एक छोटा बच्चा जो पुलिस ऑफिसर है, लड्डू और समोसे से तुम सुपर ह्यूमन बन सकते हो, एक अंधी लड़की और साइंस के लॉस की असली लिमिटेशंस तो तुम्हें इन कार्टून्स में ही देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, अब तो ये लोग टीवी सीरियल्स पे भी कार्टून बनाने लग गए हैं। कल के दिन ये लोग ये रिश्ता क्या कहलाता है फॉर किड्स भी बना देंगे। मान लो कभी सावधान इंडिया पे कार्टून बन गया तो। बेचारी चुटकी को पता भी नहीं था कि भीम उसको धोखा दे रहा है, और उधर राजू अभी भी चुटकी के ख्यालों में खोया था। पर फिर राजू ने भीम के साथ वो करा जो शायद कभी किसी ने सोचा भी ना हो। हमें इन कार्टून से क्या कुछ नहीं सीखने को मिला? साइंस की दुनिया के अनसुने सच, लड्डू एंड समोसा गुड फॉर हेल्थ, डोंट बी रेसिस्ट। देखो यार, जैसा इन कार्टून में दिखाते हैं, अगर ऐसा रियलिटी में होने लग गया ना तो ये दुनिया 2 दिन भी नहीं टिकने वाली है। और मुझे एक चीज़ जाननी है, इन लोगों के पास कपड़े नहीं है क्या? किसी को देखो नंगा घूम रहा है तो कोई एक ही कपड़े को रगड़े जा रहा है, रगड़े जा रहा है। और मेरा एक क्वेश्चन है छोटा भीम से, मान लिया कि लड्डू खा के तुझे ताकत मिली है, पर यार डायबिटीज़ क्यों नहीं मिल रही है? यहाँ मैं एक थाली लड्डू खा जाऊँ, वो पहली बात मैं खा नहीं पाऊंगा। सही में यार, इससे ज़्यादा लॉजिकल तो मुझे पेपा पिग लगता है। सही में एक बार मैं तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की बातों में लॉजिक मिल जाएगा, पर इन इंडियन कार्टून्स में नहीं। देखो, जब किसी राज्य पे हमला होगा तो राजा क्या करेगा? ऑब्वियसली वो अपनी सेना के साथ लड़ने जाएगा। पर यहाँ नहीं, जब इस चोमू पे कोई प्रॉब्लम आती है वो उसको याद करता है। खैर, अब तो रिश्तेदार भी बनने वाले हैं। और हाँ, मैं इस छोटे जॉनीसन से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, लोगों को बांधो मत, जो जाता उसको जाने दो, अपनी कमी ज़रा उसको भी आजमाने दो। तू क्या है, इससे बेहतर तो कोई नहीं जानता, और ये हक भी मत देना तू कभी इस ज़माने को। इंडियन कार्टून्स मोस्टली कॉमेडी पे बेस्ड हैं, पर इन कार्टून्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि राइटर की कॉमेडी की डेफिनेशन ही अलग है। अगर हम कार्टून्स और एनिमे का कंपैरिजन करें तो इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। एनिमे इज मच बेटर देन कार्टून। अगर तुमको अभी भी लगता है कार्टून्स आर बेटर, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, जाके वो को देखो। वैसे अगर ये वीडियो मेरे मोहल्ले वाले बच्चों को मिल गई तो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो। वैसे मैं बता दूं, मैं काला जादू सीख रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारे पास दोस्त हैं तो तुम उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो।